विराम बोलो बोलो। सर प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन दोनों, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन निकालने का डायरेक्ट नहीं, ये कैसा होता है ना कि ये हमें ना कब प्रोबेबिलिटी निकाला तो इंटीग्रेशन निकालने का, मतलब मैं समझा नहीं। सर जो हम लोगों ने कल किया था ना, तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना था तो उसमें हम लोगों ने इंटीग्रेशन यूज कर दिया था, तो हाँ, वही क्योंकि रिलेशन। उसमें टाइम था ना, उसमें टाइम था, एक लिमिट दिया था वहां पे विराम। तो जब हमें लिमिट दिया रहता है ना, जैसे अब हमें समझ लो कुछ काम करने के लिए 25 से 30 मिनट्स के बीच में टाइम लग रहा है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, वो इंटरवल दिया रहता है। सो इंटरवल दिया रहता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मेजर कर सकते हैं। तब वहां पे हमें इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। इंटीग्रेशन हमें ये प्रोवाइड करता है कि उस इंटरवल के बीच में उसका कितनी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें फाइंड कर सकते हैं उसमें। अब जैसे बाकी कुछ और मेथड से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, तो जैसे 25 से 30 मिनट्स के बीच में आपको टाइम लग रहा है, तो जो इंटीग्रेशन होता है वो हमें सम कैलकुलेट करके देता है, जिसमें हम लोअर लिमिट में जो हमारा रेंज होता है वो लिख के हम लोग वहां पे मतलब सॉल्व कर सकते हैं। कल के हाँ लेक्चर में था नहीं ना विराम? सर था, बीच में नेट इश्यू आ गया था। अच्छा, तो क्लियर हुआ कि नहीं वो सब डाउट्स? मतलब जो भी क्या बोलते हैं सम्स मैंने कराया था वो सब सबको क्लियर है ना? कहीं पे कुछ डाउट है? कल का कुछ डाउट है क्या आप लोगों को? कुछ मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को बोला था सॉल्व करने के लिए, आप लोगों ने सॉल्व किया उसको? फर्स्ट सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा नहीं आया, अच्छा मैं सॉल्व करता हूँ फिर, ठीक है सर? रॉन्ग आ रहा था आंसर। अच्छा मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या दिया है। सपोज एरर इन्वॉल्व्ड इन, एरर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ सर्टन मेजरमेंट इज कंटिन्यूअस। और विराम हमेशा याद रखना, जब कंटिन्यूअस आता है तब हमें वहां पे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब ये था, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब क्या था, जो मेजरेबल क्वांटिटीज आती हैं तब हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो सब कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोगों क्या दिया है इसमें, इंटीग्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही दो फॉर्मूला पूरे चैप्टर में मतलब प्रोबेबिलिटी में यूज हुआ है। सपोज एरर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग अ सर्टन मेजरमेंट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स विथ पीडीएफ बोला है। अच्छा पीडीएफ का मतलब क्या था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था। क्या था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था। सो इसमें जो हमारा फंक्शन दिया है, फंक्शन है के इंटू 4 माइनस x स्क्वायर, फॉर -2 से लेके +2 तक है, फॉर -2 से लेके +2 तक है, इक्वल्स टू 0 अदरवाइज है, ठीक है। सो कंप्यूट करने के लिए यहां पे बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, जो है वो ग्रेट एक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, फिर नेक्स्ट है पी का वैल्यू जो है वो -1 से +1 के बीच में है, और लास्ट में जो है इसमें क्या दिया है, -0.5 से ये ग्रेटर देन है, और एक्स जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 0.5 है, ठीक है। -0.5 से ग्रेटर देन है एक्स, और फिर क्या है, एक्स यहाँ पे ग्रेटर देन है
0.5 से, ठीक है। सो ये हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, एरर इन्वॉल्वड इन मेकिंग अ सर्टेन मेजरमेंट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स विथ पीडीएफ बोला है। सो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड है पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसका इंटीग्रेशन आता है 1 आता है, जिसका इंटीग्रेशन क्या आता है 1 आता है। सो अगर आप इसमें फंक्शन में देखेंगे तो एक अननोन कॉन्स्टेंट हम है इसमें, जो के है वो वाली के इंटू 4 - x² है, और उसका रेंज कहां से कहां तक है? -2 से लेके +2 तक। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो स्टार्टिंग नंबर होता है ये हमारा लोअर लिमिट होता है, और जहां पे मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है? अपर लिमिट होता है। तो यहां पे लिखोगे सिंस गिवन फंक्शन एज अ पीडीएफ, सो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगा? जब पहले से ही पीडीएफ है तो उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे ऐसे लिखोगे, रेंज कहां से कहां तक है? -2 से लेके +2 तक है। सो -2 से लेके +2 तक, और यहाँ पे क्या लिखोगे? फंक्शन दिया है डीएक्स का वैल्यू के इक्वल आएगा सॉल्व करने के बाद 1 के। पीडीएफ इसका जो है वो 1 है। अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करोगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? के इंटू 4 - x² है। सो यहाँ पे हम लोग लिखे -2 से लेके +2 तक है, और के इंटू 4 - x² इंटू क्या है? डीएक्स है, इक्वल्स टू 1। बताओ कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट को हम कहां लिखते हैं? ब्रैकेट के बाहर, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। पहले -2 से लेके +2 तक, और ये 4 माइनस क्या होगा? x² इंटू डीएक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इतना समझा सभी के जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है। सो जब इंटीग्रेशन में कॉन्स्टेंट टर्म जो होगा उसको बाहर लिखा करो। सो के को हमने बाहर लिखा तो के हो जाएगा, और -2 से लेके +2, और ब्रैकेट का पार्ट वैसे इंटू डीएक्स। अब क्या करना है? यहाँ पे देखिए, और एक -x² पहले वैसे ही रखते हैं, ठीक है। 4 क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है, सो 4 को हम बाहर रखेंगे। अब देखो इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन दोनों में आएगा, एक बार 4 और एक बार x² के। ये k के साथ में क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे ये किस पे था? हाँ, एक कॉन्स्टेंट टर्म है और वो मल्टीप्लीकेशन में है, इसीलिए हम लोग उसको साथ में, मतलब वहां पे उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किया हमने। ये 4 जो है ये टर्म्स में है, प्लस माइनस में है ना ये, तो 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 के साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन हमने देखा था कल, जो x होता है, तो 4x हो जाएगा। देखो 4 को हम इंटीग्रेशन के लिखे, ठीक है, फंक्शन कर रहे हो, तो 4 को हमने बाहर रखा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन क्या है? माइनस है, सो यहाँ पे भी आप लोग क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। x का स्क्वायर है, x का क्या है? स्क्वायर है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो जो x स्क्वायर है, हाँ, x का पावर में 1 प्लस दोगे, और यहाँ पे भी +1, और इस जो इसका जो लिमिट है वो लिखोगे -2 से लेके +2 तक। हाँ प्राची, ठीक है, समझा ना ये। अब इसमें ये कैसे कैसे करना होता है? जो 4 वो कॉन्स्टेंट टर्म है तो उसको बाहर लिखने का, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है? x आता है, माइनस साइन यहाँ पे भी। स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? क्यूब अपॉन, मतलब x³/3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, k को आप लोग वैसे ही रखना, तो सबसे पहले जहां पे x है वहां पे 2 सब्स्टिट्यूट करो,
तो 4 वैसे ही लिखा इंटू 2 माइनस ऑफ, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। सो जहां पे x है हमने वहां पे पहले 2 पुट किया, अब फिर माइनस 2 पुट करना है क्योंकि लोअर लिमिट जो है वो हमारा क्या है माइनस 2 है, तो अब माइनस 2 पुट करो तो 4 के साथ में इंटू में माइनस होगा, फिर यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। अच्छा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया और इस बीच में नेगेटिव आ जाएगा, तो अब इसको सॉल्व आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, सो ये 8 अपॉन 3 आ जाएगा। आप लोग ये स्टेप्स वगैरह स्किप कर सकते हैं अगर आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छे से आ रहा है तो, ये 4 इंटू माइनस 2 कितना होगा माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, ये बताओ माइनस 2 का क्यूब क्या होगा माइनस 8 हो जाएगा, सो माइनस और माइनस हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है 1 है, सो पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो के 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, 24 में से 8 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 16 अपॉन 3, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, 24 में से 8 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा 16 अपॉन 3 आ जाएगा माइनस ऑफ, सेकेंड भी वैसे ही करना है 3 इंटू माइनस 8 कितना होगा माइनस 24, माइनस 24 और माइनस 24 में 8 माइनस मतलब प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 16 हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ पे भी माइनस तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 बाय 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, तो therefore स्टूडेंट्स यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 16 और 16 प्लस कर दोगे क्योंकि इसका बेस जो है वो तो क्या है सेम है, तो इसका बेस जो है वो 3 रहेगा और 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा 32 अपॉन 3 इक्वल्स टू अपॉन 32, परफेक्ट। सो k का वैल्यू हमें क्या मिल गया 3 अपॉन 32 मिल गया। कहीं पे भी क्वेश्चन में k का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला गया था, बट विदाउट k आप लोग ये सब वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट हमने k का वैल्यू सॉल्व कर लिया जो हमें ये रेंज दिया था और ये हमें फंक्शन दिया था और पीडीएफ बोला गया था, तो इन सब के वजह से हम लोग k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू 0 से जो क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए सॉरी ग्रेटर देन होना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट में x का वैल्यू क्या बोला है ग्रेटर देन 0, तो अगर आप लोगों को देखो यहाँ पे रेंज जो लिखना है लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में नंबर कहाँ से कहाँ तक आएंगे, तो सबसे इजी क्या है आप लोग जो रेंज दिया रहता है उसको नंबर लाइन पे लिख लो, माइनस 2 से प्लस 2 दिया था ना तो माइनस 2 माइनस 1 0 1 तो 0 से ग्रेटर देन है, सो 0 से ग्रेटर देन कहां तक आएगा 0 से लेके 2 तक जाएगा क्योंकि उसके बाद तो रेंज है नहीं, तो रेंज कहां से कहां आने वाला है 0 तक आने वाला है, लिमिट क्या लिखेंगे 0 और अपर लिमिट क्या लिखे 2 और फर्क के इनटू के का मिला 3 अपॉन 3 और यहां पे 4 माइनस x स्क्वायर इनटू क्या है dx है, राउट है इसमें बाय 32 ये हमने वैसे ही रखा, समझ में आ रहा है 3 बाय 30 ये हमारा कांस्टेंट टर्म है सो इसको हमने बाहर रखा। अब ब्रैकेट अंदर जो है वो 4 है तो 4 क्या है कांस्टेंट टर्म है सो 4 वैसे ही रहेगा, 4 के साथ में कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेंज कहां से कहां तक दिया है 0 से लेके 2 तक इक्वल्स टू सॉरी 1 नहीं लिखना है अब यहाँ पे क्योंकि सॉरी तो अब यहाँ पे 3 अपॉन 32 पहले क्या सब्सटीट्यूट करोगे 2 तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 माइनस फिर वापस 2 सब्सटीट्यूट कर दो तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 अपॉन 3। अच्छा x का वैल्यू बाद में 0 पुट करोगे तो ओवरऑल 0 हो जाएगा तो लोअर लिमिट हम सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि तब 0 आ जा रहा है। सो 3 अपॉन 32 इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा ये कितना आ जाएगा
16 अपॉन 3, 3 बाय 16 नहीं, 16 बाय 3 हो जाएगा, ठीक है अभिषेक? अब ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और 16 के टेबल में ये 2 टाइम आ जाएगा, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय 2 आ जाएगा। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, समझ रहे हैं अच्छे से? यस सर। हाँ अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो माइनस 1 से प्लस 1 तक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें माइनस 1 से लेके कहां तक है, प्लस 1 तक। यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट डिफाइन किया है, माइनस 1 से लेके प्लस 1 तक है। सो माइनस 1 कहां पे आएगा, लोअर लिमिट में, और प्लस 1 कहां पे आएगा, अपर लिमिट में। तो नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी माइनस 1 से लेके प्लस 1 तक है। सो हम लिखेंगे माइनस 1, यहाँ क्या लिखोगे, प्लस 1। और हमारा फंक्शन क्या है, 3 अपॉन 32 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो जैसे हम पहले सम सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व कर दो, 3 बाय 32 हम लोग बाहर लिखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है ना वो, और 4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो वो वैसे ही रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3। इसका लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस 1 से प्लस 1 तक है। सो 3 बाय 32, अच्छा सबसे पहले अपर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो एक्स के प्लेस पे हम 1 पुट कर रहे हैं। सो जब एक्स के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो देखो लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 का क्यूब 1 अपॉन 3। सो हमने लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर, सॉरी अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो माइनस 1 है तो 4 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब क्या होगा, माइनस 1, ये माइनस और ये माइनस आ जाएगा प्लस, सो प्लस 1 अपॉन 3। अच्छा यहाँ पे साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। सो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें सेकेंड पार्ट है वो मिलेगा 3 बाय 32, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 में से 1 माइनस कर दो, 11 अपॉन 3, यहाँ पे भी वैसे ही माइनस, 4 इंटू 3 कितना होगा, माइनस 12, माइनस 12 और प्लस 1 कितना होगा, माइनस 11, अच्छा माइनस 11 और बाहर भी माइनस है, सो प्लस 11 अपॉन 3, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, बेस में 3 कॉमन है दोनों के लिए, सो 3 बाय 32 इंटू 22 अपॉन 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ बराबर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11 बाय 16, तो ये 11 अपॉन 16 आ गया, क्लियर है ना ये? यस सर। हाँ सो लास्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट यहाँ पे जो है इसमें कुछ ऐसा बोला गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है ना -0.5 से ग्रेटर देन है x, और x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0.5 है। सो अब इसमें और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। सो अब इसमें दो कंडीशंस एक साथ दिया हुआ है, सो हम इसको स्प्लिट करके एक साथ लिख देते हैं, मतलब कैसे, स्प्लिट करके प्लस साइन लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट जो है वो क्या है, -0.5 लेस देन किससे, एक्स से, और का मतलब प्लस, और फिर दूसरा जो है एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0.5 है। और का मतलब हमेशा याद रखना, सेट्स में जैसे और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है ना, तो और का मतलब जो है वो प्लस होता है, और एंड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंस नहीं होता है। सो अच्छा 0.5 का मतलब क्या होता है, -1/2 लेस देन है किससे, x से, और यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी जो है x ग्रेटर देन प्लस 1/2। हमारा रेंज कहां से कहां तक था, रेंज जो है वो -2 से लेके +2 तक था, एक मिनट। सो ये 0 हो गया, -1 -2 +1 +2,
अच्छा ये बताओ, माइनस वन अपॉन टू मतलब माइनस 0.5 यहाँ पे आ जाएगा, इससे नंबर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। माइनस 0.5 से x जो है वो ग्रेटर है, सो माइनस 0.5 से कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। सो इसका लिमिट क्या होगा, इसका जो लिमिट होगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, माइनस 1/2 से मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन है ना। और यहाँ पे जो फंक्शन होगा इनटू डीएक्स प्लस दूसरे के लिए देखो 1/2 से क्या है, मोर देन है, 1/2 से क्या है, मोर देन है। सो 1/2 से मोर देन, 1/2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0.5, यहाँ पे आ जाएगा ना ये प्लस वाला, तो 0.5 से भी कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। सो इसका रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1/2 से लेके प्लस 2 तक। समझा ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। यस सर। तो चाहे तो आप लोग ये खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जैसा हमने पहले सुना वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर, हाँ नहीं आएगा तो फिर मुझे पूछना नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट सम देखते हैं यहाँ पे। हाँ थैंक यू अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर, सर हाँ बोलो सर, ये इंटीग्रेट टू बाय माइनस 1/2 क्यों किया, समझा नहीं ये। हाँ ये सो यहाँ पे जो x है ना ये ग्रेटर देन है माइनस 1/2 से। सो अगर वरुण देखोगे आप यहाँ पे माइनस 1/2 कहाँ पे आता है, माइनस 0.5 कहाँ आता है, ये 0 और माइनस 1 के बीच में आता है, तो माइनस 0.5 से ग्रेटर देन बोला है तो कहाँ तक जाएगा, 2 तक ही जाएगा ना। सो इसका रेंज माइनस 0.5 से प्लस 2 तक आता है, तो इसलिए माइनस 1/2 से लेके कहाँ तक आएगा, 2 तक, सॉरी 2 तक आ जाएगा। समझा और उन समझा कि सर हाँ? स्टक हो गया था। अच्छा देख क्या है, कैसा है ना, ये 0.5 से ग्रेटर देन है, 0.5 से माइनस 0.5 से ग्रेटर देन, जब ग्रेटर देन बोला जाता है इसका मतलब राइट हैंड साइड जाना है अपने को। सो राइट हैंड साइड जाओगे तो माइनस 0.5 से लेके मैक्सिमम कहां तक जाना है, 2 तक जाना है, तो इसका रेंज जो है वो माइनस 0.5 से लेके 2 तक आ जाएगा। सो माइनस 1/2 से कहां तक, 2 तक आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ एक मिनट रुकना, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। बाकी चैप्टर्स आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, जो जो हमारे हो गए हैं, लॉजिक, मैट्राइसेस, स्ट्रेट लाइन। नहीं सर। हाँ फैज आपने बोला ये, सर कैरी ऑन करिए अगर रिपीट नहीं कर रहा था। हाँ हाँ So, यहाँ पे क्या दिया है, द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 8 फॉर 0 to 4 है एंड अदरवाइज 0 है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड एक्स एक्सप्रेशन फॉर सीडीएफ। सीडीएफ का मतलब आप लोगों को याद होगा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव और क्या था फंक्शन था वहां पे, सीडीएफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में ये कैलकुलेट करना है और फाइंड करना है एफ एक्स, फाइंड एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स है इसका मतलब डीएफ, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू 0.5, 1.7 एंड
हमें इन सब पे एफएक्स का वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। काफी इजी है ये। सो अगर आप लोगों को याद होगा सीडीएफ का कॉन्सेप्ट क्या था, सीडीएफ जो था, एक मिनट, हाँ मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। सो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो था, इसमें हम मैंने बताया था आप लोगों को, जो एक्स है वो फिक्स्ड होता है, एक्स जो है वो फिक्स्ड होता है और जो लोअर लिमिट है वो अपनी जगह पे रहता है। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट ए है तो यहाँ पे भी क्या रहता है, ए रहता है, और अपर लिमिट में जो एक्स है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और सीडीएफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। सो हमारा फंक्शन क्या है, एक्स अपॉन एट है, तो सीडीएफ पहले कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा सीडीएफ है। सो कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू अपर लिमिट में कौन फिक्स्ड है, एक्स है, सो हमने यहाँ पे एक्स लिखा। लोअर लिमिट कितना है, यहाँ पे जीरो है, सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो एफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। सो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जीरो टू एक्स वैसे ही लिखोगे पहले, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स अपॉन एट है, सो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, एक्स अपॉन एट इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये बताओ वन अपॉन एट क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, सो वन अपॉन एट हमने बाहर लिख लिया। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर वन है, एक्स का इंटीग्रेशन बताओ सब लोग क्या आएगा, बराबर एक्स रेस टू वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू अपॉन टू आ जाएगा, और लिमिट क्या है, जीरो से लेके एक्स तक है। सो टू और एट को भी मल्टीप्लाई कर दो, सो जब हम टू और एट को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये वन बाय सिक्सटीन हो जाएगा। और सबसे पहले x का वैल्यू पुट करो, तो x की जगह पे x पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, और फिर बाद में माइनस ऑफ जीरो का स्क्वायर जीरो रहेगा। तो देयरफॉर यहाँ पे जो सीडीएफ है, मतलब कैपिटल एफ एक्स है, वो कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन। ठीक है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन। जो नेक्स्ट पॉइंट था उसमें क्या बोला था, फाइंड एफ एक्स है, तो एफ एक्स का वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर सीडीएफ भी मिल गया, एफ एक्स मिल गया, फाइंड एफ एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट फाइव। सो एक्स के प्लेस पे जीरो पॉइंट फाइव पुट कर दो, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर बाय सिक्सटीन है। तो पहले एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे, जीरो पॉइंट फाइव, x के प्लेस पे 0.5 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, समझाइए। अच्छा 0.5 मतलब क्या है, 1 by 2 है, 0.5 का मतलब क्या होता है, 1 upon 2 होता है, तो 1 upon 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 upon 4 हो जाएगा, या तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो 0.25 भी लिख सकते हो, ठीक है, 0.25 लिखो, या फिर 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 16 कितना होगा, 64 हो जाएगा। सो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 1.7, सो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1.7 का स्क्वायर अपॉन 16, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना, 1.7 का स्क्वायर लिखना, 2.89 अपॉन 16 हो जाएगा, और थर्ड जो है वो क्या है, 5 है, सो यहाँ पे 5 का स्क्वायर अपॉन 16 आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 25 बाय 16। सो ये समझा अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ डाउट है, सर वो एफ 0.5 और 1.7 नहीं समझ रहा सर, इसमें 0.5 सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक्स के प्लेस पे जब 0.5 सब्स्टिट्यूट किया तो 0.5 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होता है, 0.5 का मतलब क्या होता है, हाफ, 1/2, 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्या आएगा, 64 आ जाएगा, सो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 नीचे आ जाएगा,
सॉरी ये मैंने 64 डायरेक्ट लिख दिया, 16 है यहाँ पे, सो ये 1 अपॉन 4 इंटू 16 हो जाएगा, तो 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा. Yes, sir. वैसे ही 1.7 के लिए भी, 1.7 का मतलब स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, 2.89 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना. हाँ तो नेक्स्ट सम जो है इसमें ये मतलब चैप्टर में दो सम पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 9 given the PDF, given the PDF of a continuous random variable x, fx is equals to x cube, sorry x square upon 3. और यहाँ पे -1 से +2 तक है एंड अदरवाइज 0 है. गिवन द पीडीएफ ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फॉर -1 से +2, अदरवाइज क्या दिया है, 0 दिया है. और फिर यहाँ पे पूछा है डिटरमाइन CDF of X, hence find probability X less than 1, less than -2, greater than 0 and 1 से लेके 2 तक. एक सम में 4 से 5 सम दे दिया है. CDF कैलकुलेट करना है, x का वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन -2 है, ये सब हमें कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, x स्क्वायर अपॉन 3 है, इसका रेंज -1 से +2 है. पहले सबसे क्या कैलकुलेट करना है, CDF कैलकुलेट करना है. सो CDF के लिए CDF को कैपिटल FX से रिप्रेजेंट करेंगे. किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल FX से रिप्रेजेंट करेंगे. अपर लिमिट फिक्स रहेगा, अपर लिमिट में जो है वो क्या होगा, X हो जाएगा. और लोअर लिमिट जो है वो यहाँ पे क्या है, -1 है, सो यहाँ पे भी क्या आएगा, -1. और जो फंक्शन दिया रहेगा इंटू dx आ जाएगा. फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है. फंक्शन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 है. सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू -1 से लेके कहां तक है, x तक है, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू dx है. सो 1 अपॉन 3 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, 1/3 बाहर लिखो. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा. ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3, देखो 1 अपॉन 3 को हम बाहर लिख रहे हैं, स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट में क्या है -1 और यहाँ पे क्या है एक्स है. सो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9, 1/9 और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब, ये -1 से लेके +x तक. सो सबसे पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, अपर लिमिट जो है वो हमारा एक्स है, एक्स की जगह पे एक्स रखोगे तो सेम वही आएगा ना, क्यूब माइनस ऑफ लोअर लिमिट माइनस का क्यूब, समझ रहा है ना ये सबको, 1/9 एक्स क्यूब वैसे ही रखोगे. -1 का क्यूब क्या होगा, -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1. सो ये हमारा क्या मिल गया, यहाँ पे CDF मिल गया. समझाइए अच्छे से CDF कैसे मिला. यस सर. हाँ सो अब उसके बाद में यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया था उसमें ये बोला गया था जो x है ना वो लेस देन 1 है, x का वैल्यू लेस देन 1 है. तो सबसे पहले आप रेंज लिख लो कहां से कहां तक है, -1 से लेके 2 तक है, तो -1, 0, 1, 2,
इतना ही इसका रेंज है, तो वन से लेस देन बोला ना. अच्छा वन से लेस देन, तो वन से कहां पे जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, तो इसका रेंज कहां से कहां तक आएगा, प्लस वन से लेके माइनस वन तक आ जाएगा. सो इसका रेंज कहां से कहां तक आ रहा है, माइनस वन से लेके प्लस वन, जो छोटा नंबर है उसको नीचे लिखना है और यहाँ पे मैक्सिमम है उसको वन लिखना है. अच्छा यहाँ पे क्या था, एफ एक्स इंटू डी एक्स था. अब हम लोग फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री था, तो माइनस वन से प्लस वन एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू क्या आएगा, डी एक्स आ जाएगा. वन अपॉन थ्री क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, वो बाहर लिखो. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री, यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे प्लस वन, ठीक है. सो थ्री इंटू थ्री क्या हो जाएगा, नाइन. तो वन सब्सटीट्यूट करो, एक्स के प्लेस पे वन सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वन का क्यूब क्या होगा, वन माइनस ऑफ, माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस वन. सो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू. सो ये टू अपॉन नाइन आ जाएगा, ठीक है. अच्छा बाकी के पार्ट्स इसके आप लोग सॉल्व कर लोगे, जो एक्स का वैल्यू यहाँ पे लेस देन माइनस टू बोला है. अच्छा ये देखो इसमें माइनस टू से लेस देन बोला है, माइनस टू से लेस देन, बट यहाँ पे जो हमारा रेंज है वो माइनस वन से लेके टू के बीच में ही है. माइनस टू कहीं पे है क्या, वो नहीं है, तो इस इंटरवल के बीच में. बट मतलब बाकी सब नंबर के लिए जीरो आता है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका जीरो लिखना. समझा जीरो क्यों आया, क्योंकि हमें जो रेंज दिया था वो माइनस वन से लेके प्लस टू के बीच में ही वो फंक्शन दिया था, अदरवाइज क्या बोला था, जीरो बोला गया था. इसका भी रेंज जो है वो इस इंटरवल में लाइन ही करता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. सेकंड पार्ट समझा अच्छे से. हाँ सर. यस सर. हाँ और नेक्स्ट जो है एक्स का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो दिया है. सो इसमें रेंज में देखो जीरो ग्रेटर देन कौन कौन है, जीरो है, वन है और टू है, मतलब मैक्सिमम टू तक जाएगा और मिनिमम जीरो, और ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा. क्या कर लेंगे ना आप लोग सॉल्व इसको. सर ग्रेटर देन जीरो बोले ना, तो फिर हाँ ग्रेटर देन जीरो ना, तो ग्रेटर देन जीरो तो यही होगा ना, जीरो से लेके टू के बीच में प्लस टू है ना ये. अच्छा सोहेल माइनस टू वाला नहीं सर, आप पे क्या बोला था कि जो क्वेश्चन था ना हमारा उसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक दिया है, ध्यान से देखना. इसमें माइनस वन से प्लस टू तक दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट जीरो है, अदरवाइज मतलब क्या कि अगर इस इंटरवल लाई कर रहा है तब उसके लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री आ जाएगा, बट बाकी सबके लिए जीरो आ जाएगा. तो यहाँ पे भी वही देखना है हमें, तो माइनस टू इस इंटरवल में आ रहा है क्या, माइनस टू इंटरवल में नहीं आ रहा है, अदरवाइज में आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा. माइनस टू से लेस देन बोला है ना, सो माइनस टू से लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऑरेंज कुछ है ही नहीं, इसके लिए वो जीरो आ जाएगा. अब सॉरी हाँ, सो इसका फोर्थ पार्ट जो है वो वन से टू तक दिया है, जो आप लोग सॉल्व कर लेंगे. लास्ट सम ये चैप्टर का और ये एक्सरसाइज का भी, इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज पीडीएफ, फंक्शन जो है वो हमें दिया है सी अपॉन एक्स दिया है, सी अपॉन क्या दिया है, एक्स दिया है फॉर वन से लेके थ्री तक, फॉर वन से थ्री तक दिया है, और फाइंड बोला है सी करने के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालना है एंड वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकालना है. इजी है बहुत ये सम. देखो पहले क्या दिया है, इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज पीडीएफ, अब सी अपॉन एक्स है, अब इस फंक्शन में जो है वो सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो फाइंड क्या करना है, सी करना है हमें पहले, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, और इसका लिमिट कहां से कहां तक है, वन से लेके थ्री तक है, वन से कहां तक है, थ्री तक है. सो सिंस गिवन फंक्शन हैज अ पीडीएफ, तो जब पीडीएफ पहले से ही दिया है, रेंज कहां से कहां तक है, वन से लेके थ्री तक है, सो वन से थ्री तक,
एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आने वाला है 1। सो यहाँ पे हम वैसे ही लिखेंगे 1 से लेके 3 तक है ये, और फंक्शन जो है वो क्या है, सी अपॉन एक्स है इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। सी क्या कॉन्स्टेंट टर्म है, सी जो है वो क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, एक मिनट देना। तो ये बताओ सी जो है ये हमारा तो कॉन्स्टेंट टर्म हो गया और 1 अपॉन एक्स बच रहा है। अच्छा ये बताओ डेरिवेटिव में किसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, सोचो और बताओ 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है। सर जीरो का नहीं, याद करो याद करो, फॉर्मूला क्या था सर, लॉग का। वेरी गुड, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आता है, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आता है। तो मैंने बताया था डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वहां पे, मतलब लॉग एक्स हो जाएगा, समझाइए। सो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे सी जो है वो हमारा क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, तो सी हम बाहर रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन जो है वो 1 से लेके 3 तक हो जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 है। सो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है। सो ये क्या हो जाएगा, सी इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, और रेंज कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक। ये समझा log x कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x जो होता है वो 1 अपॉन x होता है। सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। सो अब वैल्यू पुट करो इसमें, जब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें तो c वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले x के प्लेस पे 3 पुट करो तो log 3, फिर x के प्लेस पे 1 पुट करो log 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा log 1 का वैल्यू कितना होता है, log 1 जो है वो 0 होता है, क्या होता है वो 0 होता है, 1 जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स 0 होता है। तो c का वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन log 3। समझा कि नहीं समझा ये फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, पीडीएफ दिया था उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझा क्या ये, अच्छा log 3 माइनस log 1 है तो डायरेक्टली log 3 अपॉन 1 डाल सकते हैं सर, माइनस है भी। हाँ वैसे भी लिख सकते हो ना, सकते हो आप, ठीक है। अच्छा एक बार वापस से रिपीट करो ओमकार, तो पहले से पीडीएफ दिया था ना, पीडीएफ पहले से ही दिया है। सो जब पीडीएफ पहले से ही दिया है तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो हमने इक्वल्स टू 1 लिखा फर्स्ट स्टेप में, इक्वल्स टू 1। अब फंक्शन का वैल्यू क्या है, सी अपॉन एक्स है, सो सी अपॉन एक्स है, सी बाहर रखा तो क्या बचेगा 1 बाय एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। सो इसका लॉग एक्स आ गया 1 से 3, सो पहले 3 पुट किया बाद में 1 पुट किया, लॉग 3 माइनस लॉग 1 इक्वल्स टू 1, और फिर इसके बाद में आप डिवाइड करो, लॉ ऑफ कोशेंट यूज करो या फिर लॉग 1 जो है वो 0 होता है, लॉग 1 0 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 1 बाय लॉग 3 आ गया। समझा ना ये, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ अच्छा, सीडीएफ के लिए जो फॉर्मूला था, सीडीएफ के लिए क्या होता है, एक्स आई इंटू पी आई होता है, एक्स आई इंटू क्या होता है, पी आई होता है। तो यहाँ पे सिर्फ फंक्शन में सिर्फ चेंज करना है। अब यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा ना, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू जो लिमिट है वो वैसे ही रखना, लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 3 तक है, तो इसका लिमिट 1 से लेके 3 तक वैसे रखोगे।
अब CDF में अगर आप लोगों को याद होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कंटिन्यूस मतलब फर्स्ट सॉरी डिस्क्रीट में फॉर्मूला था उसका XI इंटू PI फॉर्मूला था, फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी दी हुई थी तो इसलिए XI इंटू PI। अब यहाँ पे उसका जो फॉर्मूला होगा उसमें चेंज होगा, XI इंटू FX हो जाएगा इंटू DX। समझाइए, फर्स्ट में हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कैलकुलेट करना था उसका फॉर्मूला क्या था, टेबल में हम लोग लिखते थे ना XI इंटू PI का मल्टीप्लीकेशन। अब वहां पे प्रोबेबिलिटी दी हुई थी इसलिए प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे फंक्शन दिया है इसलिए x को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अब देखो इसका कैसा एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, ये कहां से कहां तक है, 1 से लेके 3 तक है, x हमने वैसे लिखा। अब यहाँ पे fx का वैल्यू जो है वो क्या है, c अपॉन x है। अच्छा x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब फिर यहाँ पे सिर्फ कौन बचेगा, सी, सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, सो सी बाहर आ जाएगा और ये 1 से लेके 3 इंटू dx। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x है, और c का वैल्यू क्या मिला, 1 बाय log 3, 1 अपॉन log 3, और 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x है, सो x, ये 1 से लेके कहाँ तक है, 3 तक है, तो पहले 3 पुट करो फिर बाद में 1 पुट करो, तो 1 बाय log 3, 3 में से 1 माइनस कर दो, सो इसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन log 3। तो समझा कि वापस एक्सप्लेन करूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू सर वापस बता दो। अच्छा इसका क्या फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या फॉर्मूला था, XI इंटू PI था, बट एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या होगा, XI को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, FX के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे X इंटू X हो जाएगा और FX का वैल्यू क्या था, C अपॉन X था, तो X और X कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, C बचेगा, सो C बाहर रखना है और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, X होता है, फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दोगे, सो 2 अपॉन log 3 होगा। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करते थे ना उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं, समझा ना वो सब। अच्छा ये बताओ वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था पहले, पहले वहां पे फर्स्ट एक्सरसाइज में, अगर आप लोगों ने रिवीजन किया था, रिवीजन किया होगा तभी आप लोगों को ये थोड़ा याद होगा, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला था, सिग्मा XI स्क्वायर इंटू PI बराबर माइनस ऑफ एक्स इंटू PI द होल स्क्वायर, बराबर XI इंटू PI द होल स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं सिर्फ करेक्शन करता हूँ, मतलब थोड़ा सा और इसको लिख सकता हूँ दूसरे वैसे, XI स्क्वायर इंटू PI माइनस XI PI जो होता है वो कौन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ही होता है, सो मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू का लिख के यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, स्क्वायर लिख देता हूँ। अब इसको इंटीग्रेशन के टर्म्स में इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो ध्यान से, जहां पे PI वहां पे FX आ जाएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन मतलब सम होता है, सो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए देखो क्या फॉर्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन और ये समिशन दोनों एक ही होता है, सो 1 से लेके कहां तक है, 3 तक है, एक्स का स्क्वायर और PI की जगह पे क्या आएगा, FX आ जाएगा इंटू DX माइनस। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसमें उसको हमने पहले यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वेरिएंस का। ये समझा फॉर्मूला कैसा आया, हाँ सर, XI स्क्वायर है तो मतलब एक्स का स्क्वायर, PI मतलब क्या आएगा, FX आ जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने पहले से ही कैलकुलेट किया है तो उसको वहीं पे रखा, सो अब देखेंगे कैसा हो जाएगा इसका जो मतलब, सो यहाँ पे 1 से लेके 3 तक है और x स्क्वायर है और fx क्या था, c अपॉन x था इंटू dx से। अच्छा ये fx ex का वैल्यू क्या मिला था, 2 अपॉन log 3, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 log 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से इसमें, तो जो यहाँ पे हमारा x है वो 1 टाइम है और 2 टाइम है, तो दोनों में से 1-1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, c कांस्टेंट है तो c बाहर लिख दो,
इंटीग्रेशन वन से लेके थ्री, और किसका इंटीग्रेशन होगा x का माइनस, अच्छा टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग थ्री का स्क्वायर, ठीक है। इसको डायरेक्ट लॉग थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर मत कर देना, ये लॉग के पावर में टू आएगा, हाँ नहीं टू इंटू लॉग थ्री नहीं होगा, वही मैं आप लोगों को अभी बताया, वैसे नहीं होगा ना, क्योंकि जब थ्री का स्क्वायर होगा तब मल्टीप्लाई में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता है। सी का वैल्यू क्या था वन बाय, हाँ वन बाय लॉग थ्री था। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है वन से लेके थ्री है, माइनस फोर अपॉन लॉग थ्री द होल स्क्वायर, ठीक है। सो सबसे पहले हम टू को बाहर लिख लेते हैं, तो वन अपॉन क्या आ जाएगा टू लॉग थ्री माइनस ऑफ, अच्छा सॉरी ये देखो ये जो टू है ना इसको मैंने बाहर लिखा है, अब थ्री को सब्स्टिट्यूट करो तो थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा नाइन, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन, और वन का स्क्वायर वन, और ये वैसे लिखेंगे फोर अपॉन लॉग थ्री द होल स्क्वायर। वेरिएंस का फॉर्मूला आप लोगों ने ये जो है वो 7.1 में पढ़ा है, तो उसके जैसे ही यहाँ पे पी आई की जगह पे हमने सिर्फ क्या लिखा एफ एक्स लिखा, एफ एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जहां से इंटीग्रेशन मतलब रेंज जहां से जहां तक था वो लिखा हमने वन से थ्री तक। इसके बाद वो नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व किए थे पहले से सारे सम, वैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं। सो नाइन में से वन माइनस कर दो, नाइन माइनस वन कितना हो जाएगा एट, एट अपॉन टू, ये देखो कि नाइन में से वन माइनस किया एट, एट अपॉन टू का मतलब क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। सो ये हमारा फोर अपॉन लॉग थ्री, और ये क्या है फोर अपॉन लॉग थ्री द होल स्क्वायर। अब चाहे तो आप लोग यहां तक ही रख सकते हैं या फिर इन दोनों का बेस इक्वल कर दे, बेस इक्वल कैसे होगा लॉग थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो फोर लॉग थ्री, और ये क्या होगा लॉग थ्री का स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर अपॉन लॉग थ्री का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे बेस दोनों का सेम हो गया, और न्यूमरेटर में फोर कॉमन है तो फोर बाहर निकाल लिया, लॉग थ्री माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग थ्री द होल स्क्वायर। तो ये सम हमारा कंप्लीट हो, कुछ डाउट है क्या किसी में भी, मतलब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस के लिए जब पीडीएफ में आता है ना तब हम उसको ऐसे सॉल्व करते हैं, चाहिए तो मैं नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ ये फॉर्मूला दोनों। हाँ बोर्ड में आएगा ना अंकुश, ये ऑप्शन में नहीं रखना, ठीक है इजी है सॉल्व करोगे तो आएगा आराम से, बोर्ड में सम्स आते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू जो रेंज दिया रहेगा, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी लिख रहा हूँ क्योंकि हमें रेंज पता नहीं है ना, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी और फंक्शन के साथ में एक्स को मल्टीप्लाई करना, ये एक्सपेक्टेड कहलाया हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स का रेंज मैं डिफाइन कर देता हूँ माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी होगा, ठीक है एक्सपेक्टेड के लिए एक्स को मल्टीप्लाई करना है। थ्री मार्क्स के लिए आते हैं अंकुश, और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा उसमें माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स और माइनस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था कंटिन्यूस में एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर चाहिए तो यहाँ पे साइड में इसके लिए मैं डिस्क्रीट के लिए लिख देता हूं ताकि आप लोग कंपेयर कर सके। डिस्क्रीट के लिए क्या होता है, डिस्क्रीट के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई इंटू पी आई। इसमें सम क्यों कर सकते हैं क्योंकि इसमें काउंटेबल नंबर्स होते हैं तो इसलिए हम सम करते हैं, इसमें इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसको मेजर मतलब काउंट नहीं कर सकते इसलिए उसको इंटीग्रेट करते हैं। और वेरिएंस में इसका क्या फॉर्मूला था,
सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस ऑफ सिग्मा एक्स आई पी आई द होल स्क्वायर। ठीक है, सो एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ ये पूरे चैप्टर का, हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, फिर आज का सेशन यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ा। रैंडम वेरिएबल ये ऐसा वेरिएबल है जहां पे आउटकम्स होते हैं, जैसे अगर एक डाई को थ्रो करोगे तो आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकता है। जैसे 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेके 2 टाइम्स तक हो सकता है। तो रैंडम वेरिएबल दो टाइप का था, एक था डिस्क्रीट और दूसरा जो था वो क्या था, कंटिन्यूअस था। डिस्क्रीट का मतलब काउंटेबल होता है और इसका मतलब क्या होता है, मेजरेबल होता है। ठीक है, फोर टॉसेस ऑफ कॉइन जो है वो अंकुश, वो जैसे हमने 3 कॉइन्स के लिए किया था ना, वैसे ही उसके लिए भी है। वो एक बार देखना 4 कॉइन्स में, जैसे सब में 4 कॉइन में सब पे हेड आ सकता है, या तो सब पे टेल आ सकता है, या तो किसी 3 कॉइन में हेड आ सकता है और 1 कॉइन में टेल आ सकता है, वो आप देखना अच्छे से समझ जाएगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस पढ़ा था, फिर उसमें हमने पढ़ा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो अभी हम लोग देखे, और वेरिएंस पढ़े, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े। ठीक है, एक्सपेक्टेड का फॉर्मूला जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। अंडर रूट क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। अच्छा, इसमें हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट था सब प्रोबेबिलिटीज को प्लस करने के बराबर कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वेरी गुड, तो पीएमएफ था, सीडीएफ था, इसमें सीडीएफ में क्या था कि एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें सीडीएफ में हम मतलब कैसे लेस देन टाइप और मोर देन टाइप से सॉल्व करते थे। तो जैसे समझ लो यहाँ पे x है और यहाँ पे p ऑफ x है, तो हम यहाँ पे fx लिखते थे, x सिर्फ यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी समझ लो 2 है, 3 है और 4 है। तो हम पहले fx कैसे लिखेंगे, 2 वैसे ही रखेंगे, 2 और 3 को प्लस करके 5 यहाँ पे, और 5 और 4 को प्लस करके 9 यहाँ पे। ऐसे हम cdf कैलकुलेट करते थे फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, और वैसे ही हमने सेकेंड एक्सरसाइज ये सब था, ये सब के लिए था 7.1 के लिए, डिस्क्रीट 7.1 के लिए है, और कंटिन्यूअस जो है वो 7.2 के लिए है। कंटिन्यूअस में क्या क्या हमने पढ़ा, पीडीएफ पढ़ा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद कितना आता है, 1 आता है, और सीडीएफ पढ़ा, सीडीएफ में अपर लिमिट जो है वो फिक्स रहता है और लोअर लिमिट में माइनस इनफिनिटी और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसको कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करना है। सो ये टॉपिक रिविजन करना अच्छे से, कुछ डाउट्स वगैरह है आज का क्या आप लोगों को, और ये काफी इजी चैप्टर है, बोर्ड के लिए स्कोरिंग है, ये बहुत, और 4 to 6 मार्क्स के लिए आ सकता है ये पेपर में, 2 ही एक्सरसाइज है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, हाँ तो संकेत सर, जी सर, सर इनका टेस्ट वगैरह रखा जाए क्या अभी, हाँ इस संडे को रखते हैं सर। अच्छा अच्छा ठीक है सर, सो टेस्ट वगैरह का जो टॉपिक वगैरह होगा सर आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। सर आप ये वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करोगे,
आज शाम तक, आज रात तक मोस्ट प्रोबेबली, मेरे कल सवेरे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।